सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होगे। तो आज हमें देश की राजधानी दिल्ली में, तो हम जा रहे हैं दिल्ली रेलवे कैंट स्टेशन से रिंगस जयपुर अपनी सैनिक एक्सप्रेस से। तो अपनी गाड़ी लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, देखते हैं सैनिक का अपना, और डब्बा है 3rd AC, तो चलते हैं 3rd AC की तरफ। तो गाइस देख सकते हो दिल्ली कैंट का लुक, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और अपनी गाड़ी लगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे सैनिक एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 19702 सैनिक एक्सप्रेस। और गाड़ी दिल्ली कैंट से तो जाती है सीधा जयपुर, लेकिन हम रिंगस जाएंगे खाटू बाबा के दर्शन करने, खाटू जय श्री खाटू श्याम। देखते हैं गाइस सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, देखते हैं अपनी गाड़ी का इंटीरियर LHB रैकों के साथ, देखते हैं कितनी प्यारी लगती है अपनी सैनिक एक्सप्रेस। भाई नाम भी बहुत प्यारा है, और दिल्ली कैंट का कोड है DET, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं पुल से, गाड़ी की टाइमिंग करो तो चलते हैं अपनी गाड़ी रोज डेली एकदम रहती है 12:07 पे रात में AM, और इस गाड़ी का रात लगभग आपका 9:30 का रिजर्वेशन होगा, तो आपको 8 की रात में निकलना होगा। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और देखते हैं अपनी सैनिक एक्सप्रेस, और अपना डब्बा है DET 3rd AC सेकंड नंबर साइड लोग। तो चलते हैं, वो खड़ी अपनी सैनिक एक्सप्रेस, चलते हैं नीचे सीधा। प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है, और अपनी गाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, देख सकते हो सैनिक एक्सप्रेस और 3rd AC। इधर तो जनरल है, चलते हैं पीछे की तरफ, अपना कोच 3rd AC है, और मानना पड़ेगा ठंड अच्छी खासी हो रही है। चलते हैं, और ये आ गया आपका H1। B3 37 नंबर, दिल्ली भी काफ़ी अच्छी जगह है वैसे आने जाए घूमने के लिए। तो चलते हैं, अपनी गाड़ी निकलेगी हरियाणा होते हुए राजस्थान, तो हरियाणा होते हुए राजस्थान जाएगी। तो चलते हैं अपने लोग कोच में, जा गया सेकंड AC और 3rd AC हो रहा। देख सकते हो गाइस सामने है B1 B2 B3 अपना बोरास लास्ट में डब्बा, और चलते हैं अपने B3, काफ़ी अच्छी गाड़ी, भरी भी लग रही गाड़ी। तो जरा आ गया अपना B2, और अपने चलते हैं B3 में 47 नंबर। भाई आप लोग मजाक मानो, भाई मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाड़ी से भाग के आया हूँ स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, रिक्शे वाले तो यहाँ मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं, मुंह फाड़ के। तो ये आ गया अपना B3, देख सकते हो B3 स्टेशन। तो चलते हैं 3rd AC। अरे अगले बार हम बैठ गए ना ट्रेन में, वो स्लीपर था ना 40 अपना है 47 नंबर, जरा साइड लोवर, तो देख सकते हैं हमारी सीट। चलते हैं बाहर की तरफ, गाड़ी का इंटरव्यू ले लेते हैं।
देख सकते हो नंबर ऑफ कोचेस की बात करें तो इसमें थर्ड एसी के 4 डब्बे हैं, सेकंड एसी के 2 हैं और फर्स्ट एसी 1 है, और जनरल आगे 2 हैं, पीछे 2 हैं और स्लीपर आपके हैं 4 या 5 स्लीपर हैं। देख के चलते हैं, देखते हैं कितने स्लीपर हैं, फिर भी तो आप लोग पीछे तक देख के आते हैं क्या है। मौज आ रही है बिल्कुल, चलते हैं सामने की तरफ। कोचों की याद करनी, 4 स्लीपर हैं हमने देख लिया और 2 आगे जनरल हैं, 2 पीछे जनरल हैं, तो अपना थर्ड एसी ये भी हो और अपना थर्ड एसी और सीट उठ पर दिखा दी। अभी तो काफ़ी टाइम है गाइस, तो अपनी गाड़ी चलेगी 12:07 पे और सुबह पहुँचाएगी अपने लोगों को ट्रेन सीधा रिंगस। इस लोको सेट देख सकते हो WDM3D आबू रोड का, तो देख सकते हो डीजल लोकोमोटिव के साथ। तो चलते हैं पीछे की तरफ अपने कोच की तरफ। तो गाइस देख सकते हो अभी टाइम हुआ है 11:40 अपनी गाड़ी जाएगी 12:07 यार, कसम से टाइम नहीं कट रहा है। और ठंड भाई, हवा कुछ चल रही है गंदी वाली, तो अपने लोग अभी चलेंगे एसी के अंदर आराम से सोएंगे और जो भी 2-4 स्टेज कवर कर सकते हैं वो करेंगे और फिर सुबह सीधे उठेंगे रिंगस। तो अभी चलते हैं अंदर। सो गाइस गाड़ी चल चुकी है अपनी ऑन, तो चलते हैं अंदर अपने केबिन में। 37 नंबर और अपना 37 नंबर आ गया, सीट दे सकते हो साइड लोगों बैग रखते हैं और बैटरोल भी चलिए। भाई देख सकते हो दिल्ली का एंड से डिपार्चर अपनी ट्रेन का, बैटरोल बिछा रहे हैं भाई, भीड़ अच्छी खासी हो रही गाड़ी में, बिल्कुल बढ़िया पैक। बाय बाय दिल्ली कैंट। नीट एंड क्लीन है बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बढ़िया। हम इसको रीडिंग देंगे 10 में से 8 रीडिंग देंगे और चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइस निकल चुके हैं ट्रेन दिल्ली कैंट से और अगला नेक्स्ट स्टॉप इज गाइस हम लोग सेकेंड स्टेशन आ चुके हैं, नाम बोल रहा हम लोग आ चुके हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं और पानी वानी ले लेते हैं कैंटीन से। हरियाणा का गुड़गांव काफ़ी बेटर स्टेशन लग रहा भाई, साफ सफाई मस्त एकदम से कहते हैं बढ़िया। तो पानी बोतल लेते हैं पहले, तो ये एक मिनट भाई पैसे निकाल लूँ मैं, पैसे निकाल लिए तो हम लेते हैं। मेरा अंकल भैया एक वाटर बॉटल ले दो। हमने लिया गुड़गांव के रेलवे स्टेशन से पानी बोतल, कौन सा रेल नहीं है तो हमने ले लिया रेल नीर। तो भैया हमको बिस्लेरी दे रहे थे, हमने कहा भैया रेल नीर नहीं है, तो हमने भैया ने हमें रेल नीर दे दिया। तो चलते हैं अपने कोच की तरफ और चलते हैं अंदर। बोलो भाई भैया ने गेट बंद कर लिया था यार, देखो तो कुछ देखा। तो चलते हैं अपने केबिन के अंदर। काफी सारे पैसेंजर आ रहे हैं भाई, विश्वास
मीठा मीठा कहने भाई कुछ गंदे वाली भीड़ आ रही है। देख सकते हो भीड़ देखो तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ। हमने लिए रेली तो पानी पीते हैं खाटू श्याम के दर्शन करने, सुबह ही पहुँचेंगे रेंगा। और हाँ रिवाड़ी से निकल चुकी गाड़ी, नेक्स्ट स्टॉप मिलते हैं अपने लोग। सो गाइस हम आ चुके हैं मंडोती रोड दिल्ली कैंट से सेकंड स्टेशन। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो दो प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक मेरा ही से हो रहा है, छोटा स्टेशन है, ठीक है, बढ़िया है, मॉडिफाइड सही है, उनको बढ़िया डेवलप हो रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो ठीक है, बनना है, बढ़िया हो रहा है। हरियाणा का सेकंड स्टेशन, पहली बार मैं इस रोड पर आया हूँ, देख सकते हो पटौदी रोड, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यार, पैसेंजर भाई देख सकते हो भाई 8-10 पैसेंजर दिख रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। और टाइम हो रहा है 12:56, तो रात ज़्यादा काफ़ी हो चुकी है। फिर आगे अपना नेक्स्ट थर्ड स्टेशन पड़ेगा रिवाड़ी, रिवाड़ी के बाद थोड़ा सोएंगे, सीधा उठेंगे फिर रिंगस, तो देख सकते हो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। मैं तो भाई नेट पे देख रहा था, मैंने सोचा काफ़ी बड़ा स्टेशन होगा, लेकिन ठीक है बढ़िया है, तो चलते हैं अंदर। हो गया अपना सिंगल, तो थर्ड ए सी की तरफ, ज़्यादा नहीं 2 मिनट का हॉल्ट लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं, भैया को दिक्कत ना हो तो लॉक कर दिए, चलते हैं। तो गाइस अपने लोग आ चुके हैं थर्ड स्टॉप अपना रिवाड़ी जंक्शन, तो अपनी गाड़ी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है, और गाड़ी का स्टॉप है 5 मिनट और गाड़ी 1 मिनट डिले, और कैंटीन में भाई बंद हो चुके हैं। इंडियन आर्मी भाई साहब, इंडियन आर्मी का भाई मजा मानो मैं एक नंबर, बिग फैन जैसे कहते हैं। तो अपनी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, वो लगभग 4 या 5 ही नंबर का प्लेटफॉर्म है, और भाई ठंड बहुत हो रही है, मानना पड़ेगा रिवाड़ी में ठंड हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 2 पे गाड़ी खड़ी है, और आगे देखते हैं भाई कैसा स्टेशन, क्या रोल है, अलवर जयपुर के रास्ते उदयपुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 11:30 की देरी से चल रही है, इसके यहाँ 2:08 भाई चलते जा रही गाड़ी रुकने रही है, पहुँचने की संभावना है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें तो अपनी गाड़ी रुक चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और सामने रहा अमूल पार्लर, देखते हैं कुछ लेते हैं उससे, तो अमूल पार्लर पे चलते हैं, कुछ खाने पीने का लेंगे, अमूल कुल लेते हैं सारा, ये नॉर्मल ठंड हो रही है वैसे भी, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, तो ये खुल गया भाई खुल गया, 2 मिनट अपने पास, भैया एक अमूल कूल दे दो, कौन सा वाला है, अमूल कूल नॉर्मल नॉर्मल, देखते हैं स्कैन करते हैं,
तो हम 30 रुपये पेमेंट करते हैं भाई। भैया थैंक यू। तो चलते हैं अपने केबिन के अंदर, गाड़ी के अंदर, और अब सोएंगे भाई। ठंड हो रही है बहुत, और आराम से सोएंगे, फिर सुबह सीधा रिंगस उठेंगे। फिर चलते हैं, गाड़ी का भी टाइम हो रहा है, लगभग 1 मिनट। तो चलते हैं केबिन के अंदर भाई। सब सो चुके हैं भाई, सब सो चुके हैं। तो चलते हैं अपने केबिन। अल्लाह भाई, मानना पड़ेगा ठंड गंदी वाली हो रही है। चलते हैं भाई अंदर अपनी सीट पे। ये आ गई अपनी सीट, सामने गाड़ी आ रही है। बेप्समन नहीं, नहीं गाजियाबाद का। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की खूबसूरत यात्रा के साथ।
और तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं एक खूबसूरत यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।